हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रोज कटिंग्स के ऊपर, कैसे जो हम इसे घरों में इजिली प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा एंजॉय करिएगा। आज की जो वीडियो फ्रेंड्स कम्प्लीटली न्यू बीन्स होने वाली है, यानी कि देखिए जो गार्डनिंग में न्यू रहते हैं जिन्हें बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता है और उन्हें ये भी नहीं मालूम होता है किस सॉइल मीडिया में हमें कटिंग्स को लगाना चाहिए, क्या उसका रूटिंग हार्मोन होना चाहिए जो कि ऑर्गेनिक रहता है वो, क्योंकि देखिए आपने इसके पहले भी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज देखी होंगी, लेकिन देखिए उसमें कटिंग्स को लगा के बताते हैं, लेकिन उसमें देखिए रूटिंग हार्मोन का वो इस्तेमाल करते हैं, कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी परलाइट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी अलग अलग सोशल मीडियाज होते हैं, लेकिन आज की ये वीडियो होने वाली है कम्प्लीटली न्यू बीन्स, यानी कि देखिए जो गार्डनिंग में न्यू है, जो देखिए इतना खर्चा नहीं कर सकते हैं अपने प्लांटेशन के ऊपर, यानी कि देखिए स्टार्टिंग में वो ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो उनके ऊपर ये वीडियो होने वाली है कैसे जो फ्री ऑफ कॉस्ट में वो रोज कटिंग्स को घरों में इजिली प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा एंजॉय करिएगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हमारी और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये इजीली प्रोपोगेट हो जाती हैं, तो देखिए इसके लिए हमें क्या चाहिए, देखिए रोजेस की चाहिए है कटिंग, ये हमारी रोज की कटिंग्स जैसे मैंने देखिए प्लांट्स में से कट करके रखा था पहले से। अब देखिए ये जो कटिंग है इनकी लेंथ आपको कितनी लेनी है और कितनी मोटाई इसकी होनी चाहिए। इसकी जो लेंथ है फ्रेंड्स वो आपको कम से कम नहीं तो 15 सेंटीमीटर तो रखना ही है, 10 से 15 सेंटीमीटर की लेंथ सफिशियंट है, ज़्यादा बड़ी भी आपको नहीं लेना है। और अगर देखिए मोटाई की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स मोटाई आपको पेंसिल बराबर लेना है, जिस तरीके से देखिए आपको ये दिख रही होगी, तो देखिए पेंसिल बराबर आपको इसकी मोटाई लेना है। अब देखिए ये जो स्टेम है हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसका ये जो नीचे का भाग है इसके आउटर शेल को थोड़ा थोड़ा रिमूव कर लेना है। अब देखिए रिमूव करने के लिए जिस भी टूल का आप इस्तेमाल करें तो एक बात का याद रखें, वो टूल साफ होना चाहिए बिल्कुल, अगर साफ नहीं है तो उसे सैनिटाइज या वॉश कर लें, वरना आपके स्टेप्स में फंगस लग सकता है। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इसके जो नीचे का कवर है इसे हम रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए हमने इसके नीचे के कवर को रिमूव कर दिया, आउटर शेल को रिमूव कर दिया है। इसके बाद देखिए हम ऐसे कट कर लेना है 45 डिग्री में। अब देखिए ऐसे करने से होता क्या है, जो आपकी न्यू रूट्स बनती हैं वो बहुत जल्दी डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने इसके नीचे के आउटर शेल को रिमूव कर दिया, उसे 45 डिग्री में भी कट कर लिया है। इसी तरीके से हम हमारी और स्टेम्स को कर देते हैं। और देखिए इसे करने के बाद जब तक आप इसे देखिए सॉइल में ना लगाएं, प्लांट से जैसे ही आप अपनी स्टेम्स को कट करें तो इसे देखिए वाटर में प्लेस कर देना है जिस तरीके से मैंने करा हुआ है, वरना देखिए आपकी जो स्टेम्स है वो ड्राइनेस फील करेंगी, उससे क्या होगा फ्रेंड्स इसे लगने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको क्या करना है इसे वाटरी में प्लेस कर देना है हल्का कट करने के बाद। तो चलिए हम पहले और स्टेम्स के साथ सेम प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखे फ्रेंड्स जो हमारी कटिंग थी हमने देखे इसे नीचे से इसके आउटर शेल को रिमूव कर लिया और इसे देखे 45 डिग्री में भी हमने कट कर लिया है। चलिए हम देखते हैं मैंने लगाने के लिए इसका सॉइल प्रिपरेशन। तो यहाँ पे देखे फ्रेंड्स अगर हम कटिंग्स को ग्रो करने के लिए उसके सॉइल प्रिपरेशन की बात करें तो देखे उसमें हमें यूज करना है ओनली एंड ओनली नॉर्मल गार्डन सॉइल, ये हर किसी के पास अवेलेबल होती है। तो चलिए हम देखते हैं इन्हें लगाने के लिए इसका। तो यहाँ पे देखिए अगर हम पॉट की बात करें तो देखिए मैं यहाँ पे प्लास्टिक पॉट का यूज करने जा रहा हूँ, जिसमें ड्रेनेज सिस्टम के लिए आप देख सकते हैं मैंने सेंटर में होल कर लिया है। आप चाहें तो देखिए सिंपली कोई सा ही पॉट इसमें यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें हमारी सॉइल को करते हैं फिल। पे देखिए हमने जो हमारी सॉइल को भी इसमें फिल कर लिया है। अब देखिए हम हमारे पॉट को थोड़ा सा उठाकर पटकेंगे जिससे इसके एयर पॉकेट्स हैं वह खत्म हो जाएं। और आप देखें फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी करेंगे वाटरिंग, फिर हमारी कटिंग्स को करते हैं इसमें प्लेस। तो यहाँ पे देखें फ्रेंड्स हमने हमारे सॉइल की जो है वाटरिंग भी कर ली है। अब देखिए आपकी जितनी स्टेम्स हैं उतने पहले आपको इसमें होल्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसमें होल्स भी कर लिए हमारी कटिंग्स को प्लेस करने के लिए। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, सिंपली देखिए आपको लेना है अपनी कटिंग को और देखिए जो वाला भाग आपने 45 डिग्री में कट करा था और इसके आउटर शेल को रिमूव करा था इसे आपको, अब बात कर लेते हैं हमारे रूटिंग हार्मोन की। तो ये हमारा आज का ऑर्गेनिक रूटिंग हार्मोन, ये सबों के ही घर में इजिली अवेलेबल होती है, ये हल्दी यानी कि टर्मरिक, ये एंटीबायोटिक रहती है। तो देखिए बहुत ही अच्छी फंगिसाइड का काम करती है, इससे रूट्स भी आपकी जल्दी ही बनेगी।
तो ये हर किसी के पास अवेलेबल होता है। इसमें देखिए इस तरीके से आपको लगाने के बाद सिंपली देखिए होल में कर देंगे आप कटिंग को प्लेस। इसी तरीके से देखिए हम और कटिंग को लगा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो हमारी कटिंग्स थी वो हमने हमारी सॉल में प्लेस कर दी हैं। अब हम इसकी देखिए थोड़ी वॉटरिंग और कर देंगे और अब देखिए हम इसे ऊपर से कवर कर देंगे ट्रांसपेरेंट पॉलिथिन से जिसमें इससे बन जाए मॉइस्चर। पॉलिथिन को हम अच्छी तरीके से एयरटाइट कर देंगे। इससे क्या होता है जो आपकी स्टेम्स के रिजल्ट हैं वो आपको 100% मिलते हैं। तो चलिए हम इसे कवर करते हैं ऊपर से पॉलिथिन से। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे देखिए पॉलिथिन भी इस पर बांध दिया। अब इससे क्या होगा इसमें बन जाएगा मॉइस्चर और मॉइस्चर बन जाएगा जो हमारे स्टेम से जल्दी देखिए इसमें न्यू लीव्स आएंगी। तो चलिए हम इसे प्लेस कर देंगे शेडी एरिया में जब तक इनकी न्यू लीव्स ना आ जाए, फिर हम इसे डायरेक्ट सनलाइट में भी प्लेस कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इसके रिजल्ट आफ्टर 15 डेज। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो हमने हमारे रोज प्लांट की कटिंग्स को लगाया था इन्हें लगा हुआ 15 दिन कम्प्लीट हो चुके हैं और यहाँ पे देखिए इनकी न्यू लीव्स आना स्टार्ट हो गई हैं। और देखिए जो हमारी सारी स्टेम्स थी उनमें देखिए न्यू लीव्स आना स्टार्ट हो गई हैं। ये फ्रेंड्स हमारे 15 दिन बाद के रिजल्ट। और अभी देखिए हम इसकी पॉलिथिन को रिमूव नहीं कर रहे हैं जब तक देखिए इनकी जो लीव्स हैं ये थोड़ी ना खिल जाती हैं। उसके बाद देखिए हम इसकी पॉलिथिन को कर देंगे रिमूव। तो चलिए हम कुछ दिन और वेट करते हैं आफ्टर 20 डेज। तो यहाँ पे देखिए जो हमने हमारी रोज कटिंग्स को लगाया था इन्हें लगा हुआ 20 डेज कम्प्लीट हो चुके हैं और आप देखिए देख सकते हैं इनकी न्यू लीव्स आना स्टार्ट हो गई है। वैसे तो देखिए अभी इसके पॉलिथिन का कवर है तो देखिए आपको साफ नहीं दिख रही होगी लेकिन फिर भी आप देखिए देख सकते हैं। वैसे तो देखिए जो हमारे रोज की कटिंग रहती है इनकी जो जर्मिनेशन थी फ्रेंड्स यानी कि देखिए न्यू लीव्स जो थी वो 10 दिन में ही आना स्टार्ट हो गई या कुछ 20 दिन बाद के रिजल्ट। और देखिए इनकी जो लीव्स हैं वो खिल भी चुकी हैं। अब देखिए हम एक दो दिन और वेट करते हैं जब तक इनकी लीव्स जो है थोड़ी और बेक होती हैं फिर हम इसकी पॉलिथिन को करेंगे रिमूव। तो चलिए हम देखते हैं इसके आगे के रिजल्ट आफ्टर 26 डेज। तो यहाँ पे देखिए जो हमने हमारी रोज कटिंग्स को लगाया था इन्हें लगा हुआ 26 डेज कम्प्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए इनकी जो न्यू लीव्स हैं वो आना स्टार्ट हो गई हैं। वैसे तो देखिए जो न्यू लीव्स थी फ्रेंड्स 8 से 10 दिनों में आ जाती हैं। चलिए हम इसकी पॉलिथिन को रिमूव करते हैं और देखते हैं इनकी कैसी चल रही है ग्रोथ। तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं इनकी न्यू लीव्स की जो ग्रोथ है कितनी बढ़िया चल रही है। ये देखिए कितनी अच्छी जो इनकी न्यू लीव्स आ रही हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इसी तरीके से आप भी अपने घरों में रोज कटिंग्स को लगा सकते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है रोज कटिंग को लगाने का, इससे सरल मेथड फ्रेंड्स कोई भी नहीं है। तो इस मेथड से देखिए बिगनर भी रोज कटिंग्स को लगा सकते हैं, एडवांस भी लगा सकते हैं, नो इशू। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स टू सी माई यूट्यूब चैनल ट्रू गार्डनिंग। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे हम फ्रेंड्स एक न्यू वीडियो के साथ। सो थैंक यू फ्रेंड्स।